पिछले क्लास में डार्विन वाद के बारे में अध्ययन किए थे। आज आप जानेंगे मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन यानी विकास प्रक्रिया की क्या क्रियाविधि है, ये किस पर आधारित है। तो वास्तव में किसी भी जीव की वास्तविक रचना दो कारक के द्वारा निर्धारित होता है और वो पहला कारक है अनुवांशिकी। अनुवांशिकी को आप जान चुके हैं, ये कारक क्यों है। माता पिता से उसके अगले पीढ़ी में संतान में जाती है, लेकिन इस प्रक्रिया के द्वारा विभिन्नता का निर्माण नहीं होगा, यानी कि जीव में विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होगी। और यदि विभिन्नता उत्पन्न नहीं होगी तो नई जाति का निर्माण असंभव हो जाएगा। अनुवांशिकीय का अर्थ होता है प्राप्त संतति, यानी अगली संतति जो प्राप्त होगा वो हूबहू अपने जनक के समान होगा। और जब वो हूबहू अपने जनक के समान होगा तो विभिन्नता उत्पन्न कैसे होगी। इसलिए विकास प्रक्रम के लिए विभिन्नता का होना जरूरी है। आप पहले भी इसके बारे में अध्ययन कर चुके हैं, आपको हम बतला चुके हैं ये विभिन्नता क्या है। इसके बाद दूसरा कारक है वातावरणीय, जिसके बारे में आप लामार्कवाद में अध्ययन किए। तो लामार्क ने ये बतलाया था जैव विकास की प्रक्रिया की व्याख्या में कहा कि जीवों पर वातावरण का सीधा प्रभाव पड़ता है। उसने वातावरण को ही मुख्य बिंदु माना था, लेकिन वाइसमान ने अपने प्रयोग के आधार पर लामार्कवाद का खंडन किया। उसने कहा कि यह वातावरण का सीधा प्रभाव पड़ता है, लेकिन वह उसके जनक में यानी प्राप्त संतति जो है उसमें यह नहीं जाता, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं जाता। उसमें उन्होंने ये भी चर्चा किया था कि कुछ विभिन्नताएं जो है वह उपयोगी होता है और कुछ विभिन्नता अनुपयोगी होता है। जिस जो उपयोगी होता है वो काफी विकसित हो जाता है और जो अनुपयोगी है उसका धीरे धीरे ह्रास हो जाता है। इसके बाद आपने डार्विनवाद को पढ़ा, तो डार्विन के अनुसार डार्विन का कहना था कि इस पृथ्वी पर कोई भी दो जीव ऐसा नहीं है जो बिल्कुल एक जैसा हो, यानी उसमें जीवों में कुछ न कुछ विभिन्नताएं आवश्यक होती है। उसने इस पर जोर दिया था, उसने अपने प्रेक्षण जो तथ्य एकत्र किया था उसके आधार पर उसने बतलाया कि जीवों में विभिन्नताएं होती है, इसलिए विभिन्नता का विकास प्रक्रम में सबसे अधिक महत्व है। और प्रकृति जो है इन अनुवांशिकीय विभिन्नता का जो उसके जनक में है उसका वो चयन करती है। ये चयन कैसे होता है, जो जीव को अपने वातावरण के प्रति अधिक उपयुक्त बनाता है। डार्विन ने इसी पर जोर दिया था और फिर इन चयनित विभिन्नताओं का वातावरण के प्रति अधिक अच्छी तरह से अनुकूलन हो जाता है। समय की गति के साथ साथ प्रगतिशील चयन के द्वारा नई जाति का निर्माण हो जाता है, ये डार्विन का कहना था। डार्विन ने इसी की पुष्टि की थी और तब जाकर के क्रम विकास की क्रियाविधि के लिए कहा गया कि विभिन्नता चयन और अनुकूलन यही विकास की दिशा को निर्धारित करता है, निश्चित करता है। ये है विकास की क्रियाविधि।